वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इस सुखने के घर अज ठीक होके जा रही हाँ। मैं 3 महीने तो इतने आई हुई सी, 1 महीना होस्पिटल कटिया। जिस टाइम मैं होस्पिटल च आई सी पूरी मैंटली तौर पर बीमार सी, तो रीढ़ की हड्डी मेरी खराब सी, वह भी ऑपरेशन होया। इतने भाई भी जी उन्होंने मेरा ऑपरेशन कराया। अज मैं ठीक ठाक होके इतने पूरे स्टाफ का भीर जी का सारे का धन्यवाद करती हाँ कि अज मैं ठीक होके आपके घर जा रही हूँ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की। जो मैंने बच्चा होने वाला सी 8वां महीना लगे, 8वें महीने मेरे लत्तां खड़ गई। लत्तां खड़न करके मैं तुर नहीं सकी, चल नहीं पाती सी, तो चल ना चलन करके फिर मेरे मैंने दाखिल किया गया। दाखिल करने तो बाद उत्थे मेरे ग्लूकोज लगते रहे, ग्लूकोज लगते रहे। फिर मैं बच्ची नूं जन्म दिता 9वें महीने। जो मेरे 9वें महीने बच्ची हुई, बच्ची मेरे सरकारी से जाके हुई। सरकारी वाले ने मेरे ना बहुत धक्का किया, धक्का करके बच्ची तो हो गई। फिर मैनू घर लिया गया। इस तरह ही मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, पर मैं फर्क नहीं पाया, मेरे लत्तां खड़ गई। मेरे हुण 2 बच्चे ने, 1 7 साल की गुड़िया, 1 महीने की गुड़िया वा। मेरी बहुत हालत खराब है, मैं अपने बच्चों को सामना चाहती हूँ। मेरी मदद की जाए, मैं लत्तां ते खड़ा किया जाए, यही प्रॉब्लम आई है। पता नहीं की होया, मैं मेरिया हम लत्तां खड़िया हुई ने, मेरा लत्तां खड़ी, मेरे पेट च प्रॉब्लम आ, रीढ़ की हड्डी च प्रॉब्लम आ। ना मैं बैठ सकती हाँ, ना मैं खा सकती हाँ, ना मैं पी सकती हाँ, ना मैं पै सकती हाँ, बस एक रो सकती हाँ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी। भैन अकवाल कौर जिदा तुम वीडियो के भी देखा किस तरह जो ये भैन साढ़े को आई सी, कि भैन तड़फ रही थी, किन्नी तकलीफ के लत्तां बिल्कुल काम नहीं सी करदियां, शरीर का थरड़ा हिस्सा डेड हो चुका सी बिल्कुल ही, तो पेट के भी बहुत वड्डी प्रॉब्लम सी। बच्चा होने तो बाद सरकारी होस्पिटल वाले ने जिहड़ा दा ट्रीटमेंट किया सही नहीं सी किया बिल्कुल ही। तो उस तो बाद परमात्मा की कृपा हुई, सच्चे पातशाह जी साडे नाल संपर्क होया, इस परिवार का भैन इकबाल कौर, इन्हां दे हसबैंड परमिंदर सिंह सिक्योरिटी गार्ड का काम करते सी। भैन दे कोल जदों पहली बेटी इन्हां दी वड्डी आ, इह आ हरमीत कौर, दूजा बच्चा जदों जन्म होने वाला सीगा उस दौरान सरकारी होस्पिटल तो जच्चा बच्चा तो इन्हां दी दवाई चलती सी, उन्होंने टीवी की दवाई इन्हां नूं देती जा रहा, जिहदे करके भैन दीआं लत्तां खड़ गईआं सीगीआं। ये गल दी डाक्टरां ने अपनी गलती भी बाद दे विच मन्नी, डिलीवरी समय भी इहदे नाल भैन नाल सही तरीके नाल ट्रीट नहीं किया गया, जिहदे करके इस भैन का थल्ले वाला हिस्सा बिल्कुल ही डैड हो गया सी। तो उस तों बाद साढ़े कोल इत्थे आए दीपक होस्पिटल, असी एडमिट कराया। पहला ऑपरेट भैने ढोई का ऑपरेट होया, सब तो पहला ढोई का ऑपरेशन होया भैन का। तो उस तो बाद हौली 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 शरीर चलता चलता तकरीब 3 महीने हो गए साढ़े को, 2 महीने इतने हो गए, महीना हस्पताल रहे, 3 महीने हो गए इन्हों साढ़े को, 1 महीना भैन होस्पिटल रहे, 2 महीने हूँ इतने साढ़े सुपन के घर में पिंड हसनपुर रह रहा परिवार। तो बच्चे हरमीत कौर साढ़े को बच्ची, इन्हू पुछते हैं तू जाना पुत घरें की करना इतने रहना, क्योंकि बच्चों का भी दिल लग्या है, तो बच्चों के नाल एक परिवार है, साडा परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो अच्छ इकबाल कौर भैन 2 महीनों बाद वापस अपने घर चली है, क्योंकि अच्छे भैन अपने पैरों पर हो गई है, अपने पैरों सर चलन के काबिल हो गई है साड़ी भैन। अपनी एक छोटी जी बच्ची जी निक्की जी जमदी हुई, वह अपना कह दिए मूँह तक नहीं देख सकी सी भैन चाचे नाल, अपना मां का फर्ज भी नहीं अदा कर सकी सी, क्योंकि शरीर ही नहीं सी काम करता थल्ले वाला हिस्सा, मैंटली भी अपसैट हो गई सी भैन, जिहदे करके वो बच्ची इन्होंने अपनी छोटी भैन कोले छड्डिया होया सी, उही पाल रही है उदण दी। ते अज भैन इह अपनी बच्ची नूं पालन योग हो गई आ, ते अपने परिवार दे विच भी खड़न योग हो गई आ। ते हुण इकबाल कौर भैन अपने पैरां ते चल फिर के अपना जीवन बतीत करन दे काबल हो गई आ। इह सब तुहाडियां दुआवां, तुहाडियां अरदासां, ते उहनां वीरां दा भैणां दा बहुत धन्नवाद आ जिन्होंने इस भैन के हॉस्पिटल के इलाज के बिल के हिस्सा पाया। करीब 3.25 लाख रुपए के आस पास हुण तक का बिल बनया इन्हों का, तो पता ही नहीं सच्चे पातशाह वाहगुरु ने किहड़े भैन भरावां नूं भेज के वह बिल जमा करवाया उत्थे, क्योंकि संगत नूं जिदा पता मनुखतारी सेवा परिवार कोई भी पैसा कैश के नहीं लेंदे, ना बाहरों ना इधरों ना किसी अकाउंट राही। साढ़े जिहड़े रजिस्टर्ड सेवादार ने भैन भरा जां तां वह साढ़े नाल कॉन्ट्री कर सकते हैं, तो बाकी किसी भैन भरा ने सेवा करनी हो सीधी होस्पिटलों के बिल देंगे ने,
ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਘੜੀ 'ਚ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 7 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲਪੁਰ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਬਾਲਪੁਰ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੀਪਕ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ।